नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने BHU, UG, PG और PhD एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में BHU एडमिशन से संबंधित सभी तरह का जो अपडेट्स है वो आपके साथ साझा करूँगा। साथ ही साथ आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों पर आधारित जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। बात यदि हम UG एडमिशन की करें तो UG एडमिशन से संबंधित किसी भी कोर्स में किसी भी तरह का नया अपडेट्स या नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। मैं BHU UG के सारे कोर्सेज की अगर हम बात करें, चाहे वो BA आर्ट्स हो, BA सोशल साइंस हो, BSc हो, BCom हो, LLB हो, BEd हो या BBOC हो, BPed हो, ये सारे तरह के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसमें जो अभी एडमिशन की प्रक्रिया है वह बाकी है और उसके इस सप्ताह तक शुरू होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने मेल आईडी को, अपने स्टूडेंट पोर्टल को और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। बात जल्दी से अगर हम PG एडमिशन की करें तो PG एडमिशन में भी इस समय लगातार अलग अलग विभागों में रिजल्ट पब्लिकेशन का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनमें सीटें फुल हो चुकी हैं। जैसे मैं अगर साइकोलॉजी PG की बात करूं तो साइकोलॉजी PG में रेगुलर सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया था और उसके फीस यानी कमिटमेंट फीस जमा करने का जो लास्ट डेट आपको दिया गया था कल यानी 15 सितंबर 2023 शाम 6 बजे तक दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर इसमें कुछ लोग अगर फीस जमा नहीं करते हैं तो वही सीटें बचेंगी। वैसे अधिकतर सीटें साइकोलॉजी में फुल हो चुकी हैं। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि PG के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो MA हो या MSc हो या MEd हो या MCom हो या LLM हो, इन सारे में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार किया जा रहा है और कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को कमिटमेंट फीस जमा करने की सूचना लगातार आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जा रही है। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रूप से अपने मेल आईडी को, आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। मैं एक बात यहाँ पर और बता दूं कि मैं आपको BHU एडमिशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लगातार देता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा जब तक कि एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी कारणवश BHU के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रतिदिन नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को मैं याद दिलाता रहूँगा, आप निश्चित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो और समय रहते आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएं। और अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज मैंने बहुत सारे सवाल जो आपके द्वारा किया गया था उन सवालों का ऑलरेडी मैंने जवाब पिछले वीडियोज में दिया है, तो जिन सवालों का जवाब मैंने पिछले कई वीडियो में दिया है उन सवालों को आज मैंने नहीं लिया है। मैंने उन्हीं नए और महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है और जिन लोगों ने अपने नाम के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का नाम लिखा है। सवाल जो पहला है वह रोड स्वराज के द्वारा महाराष्ट्र से किया गया है और ये लिख रहे हैं कि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वह मराठी भाषा में है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यह आपके लोकल लैंग्वेज में हो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ कम से कम हिंदी या इंग्लिश एक भाषा में अलग से ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मराठी भाषा में उसके साथ साथ नीचे अगर हिंदी या इंग्लिश में किसी एक भाषा में अगर वो लिखा हुआ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मराठी में लिखा है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसा सर्टिफिकेट बनाएं जिसमें मराठी के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में भी उस बात को लिखा गया है। वहीं पर अमन राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जानना चाहते हैं कि सर UG और PG के क्लासेस कब से शुरू होंगी।
इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि इस महीने में यूजी और पीजी के क्लासेस चलने की संभावना 9 के बराबर है, यानी आप अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही मान करके चलिए। वहीं ओम हरीमपुर उत्तर प्रदेश से और सहज त्रिवेदी जी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से जाना चाहते हैं कि सर एडमिशन मेरा हो गया है, मैंने लॉक भी कर दिया है, क्या इसके बावजूद भी अपग्रेड होगा। इस पर भी मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि अगर आप किसी में यूजी में या पीजी में किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन आप पाते हैं और यदि आप उसको लॉक कर देते हैं तो अपग्रेडेशन की सुविधा आपको प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं पीयूष चौहान जी सिंगरौली मध्य प्रदेश से और बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब से होगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया कब से होगी। इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो में पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको यहां बता दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधी जो प्रक्रिया है वह इस सप्ताह में होने की संभावना है, और मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही किया जाएगा। तो इस महीने के अंत तक मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो जानी चाहिए ऐसी उम्मीद है। अब होता है या नहीं होता है यह वक्त ही बताएगा, प्रिय विद्यार्थियों। वहीं अगला सवाल पलक वर्मा जी के तरफ से सिंगरौली मध्य प्रदेश से आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन सेकेंड रेगुलर राउंड में महिला महाविद्यालय में हिंदी ऑनर्स में हो चुका है, लेकिन मैंने अपने घर के बगल में एक दूसरे महाविद्यालय में भी एडमिशन ले लिया है, तो सर मुझे BHU में TC कौन सा देना पड़ेगा। देखिए आपका एडमिशन जैसा आप बता रही हैं कि आपका एडमिशन BHU में भी हिंदी ऑनर्स में MBA में सेकेंड राउंड में हो चुका है, आपने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, तो जब आप रिपोर्ट करने जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको TC और CC देना पड़ेगा। अब TC और CC चूँकि आप किसी महाविद्यालय में आपने एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपने TC और CC दिया होगा, तो अब आपके पास दो ही आधार बचता है कि या तो आप जिस महाविद्यालय में एडमिशन ली हैं वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा करके आप BHU में जमा करें, या तो आप वहाँ का एडमिशन कैंसिल कराएं और एक दूसरी TC आप अगर UG में एडमिशन की बात करें तो जहाँ से आपने 12th किया वहाँ से दूसरी TC भी आप बनवा करके BHU में जमा कर सकती हैं। वहीं पर बहुत ऐसे सवाल हैं जो PG एडमिशन से संबंधित किया गया है, अलग अलग विषयों के बारे में अपडेट्स मांगा गया है, तो मैं आप सभी से इसका एक ही जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ कि इस समय PG के सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग समाप्ति की और है, इसलिए आप सभी लोग इस सप्ताह अपने स्टूडेंट पोर्टल को अपने मेल आईडी को आप चेक करते रहें, एडमिशन से संबंधित प्रक्रिया लगातार की जा रही है और जो भी जरूरी प्रक्रिया है आपके तरफ से उसको समय से आप पूरा करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि या BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और अलग अलग विभागों में संपर्क करने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ। एडमिशन संबंधित कोई और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट BHUonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।